तो मैंने लिखी द फ्लैश। बेसिकली कहानी है फ्लैश की, क्योंकि नाम भी फ्लैश का ही है। तो एक्चुअली मेरी पिक्चर में जो फ्लैश होता है वो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है। वो हो पाता है या नहीं हो पाता है वो तो आप मूवी में देख पाएंगे, बट मूवी में क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बेकार हैं सबके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहानी से। तो कहानी में जो फ्लैश होता है उसको पता चलता है कि वो पास्ट में भी जा सकता है तेज भागने की वजह से, और जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करूँ। बेसिकली वो अपने डैड को भी नहीं बचा पाता क्योंकि उनकी मॉम के बढ़ गया इल्ज़ाम उनके डैड पे होता है, तो इसलिए वो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है। बट पास्ट में जाने की वजह से एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाती है जिसमें ना सुपरमैन होता है और बैटमैन होता है तो बहुत बुरा हो चुका होता है, और जॉर्ड जो है क्रिप्टॉन के प्लैनेट पे जो सुपरमैन वाले प्लैनेट पे रहता है वो भी आ जाता है। तो चीज़ें और बद से बदतर हो जाती हैं। फिर वो किस तरीके से हैंडल करते हैं इन सब के बारे में तो आप जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग है, मतलब इज़रा मिलर ने बहुत बढ़िया काम किया, अपने दोनों कैरेक्टर को बखूबी निभाया और हमें पूरी टाइमलाइन में एंटरटेन किया है, मतलब अपनी कॉमेडी से एंटरटेन किया है काफ़ी तरीके से। हाँ, दो चीज़ें जो ढंग से नहीं समझाएगी, जैसे एक टाइमलाइन है कि कैसे काम कर रही है टाइमलाइन, कि अगर कोई चीज़ किसी टाइम इंटरवल पर गलत है तो फ्यूचर में कुछ चेंज होना चाहिए, बट पास्ट में कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और दूसरी चीज़ एक और है जो इन्होंने कुछ कहीं कहीं पर CGI जो है ढंग से काम नहीं करता है, तो एनिमेटेड कैरेक्टर लगते हैं कुछ मोमेंट्स पे। एक मोमेंट पर फाइट चल रही थी उस सीन में भी ऐसा ही लगता है, और भी एक दो मोमेंट्स हैं, बट बाकी मूवी बहुत बढ़िया है, एंटरटेन करती है, ओवरऑल एंटरटेन करती है मूवी, और जिस तरह की मूवीज़ होनी चाहिए थी फाइटिंग सीन्स वगैरह बहुत कुछ बढ़िया लगता है, तो ओवरऑल मूवी बढ़िया है, तो आप सब देख सकते हैं इस मूवी को। हाँ, बस थोड़ा सा दिमाग मत लगाना टाइमलाइन वगैरह में, बस बाकी तो बढ़िया है। तो इसी तरह की मूवीज़ और वेब सीरीज़ का रिव्यू जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो चलेगी तो लाइक करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवी मेनिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मूवी रिव्यू वीडियो में।